top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि इसमें सीओ लेवल पे भी मॉनिटरिंग की जा सकेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसकी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसमें जो की स्टेक होल्डर्स हैं इस प्रोजेक्ट में वो सिटीजन्स हैं, एक्चुअल बेनिफिशरी जो इस सिस्टम के हैं वो सिटीजन्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफिस हैं हमारे इसमें जैसे कमिश्नरी लेवल होंगे, डिस्ट्रिक्ट में अधिकारी जो इन समस्याओं को सुनेंगे जिनको आगे फॉरवर्ड की जाएगी वो सीओ ऑफिस ओनर्स चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स की तरफ से और एनआईसी जो कि टेक्निकल सपोर्ट इसमें प्रोवाइड करेगा। एक स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तहसील लेवल पे है, तो एसडीएम्स आरओ पे आएंगी। स्टेट लेवल पे रेफरेंसेस रिसीव फ्रॉम सीईओ ऑफिस, लेटर फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से अगर कोई शिकायत आती है वो भी इस पर इलेक्ट्रॉनिकली इस पर हम दर्ज करेंगे। ऑनलाइन ई समाधान पोर्टल पर फैक्स, पोस्ट, ईमेल जो भी किसी अन्य तो भी अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है किसी संबंध में तो वो भी इस पोर्टल पे जो है ऑनलाइन हमको दर्ज करनी होती है। शिकायत कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है रजिस्टर योर ग्रीवेंसेस, ये पब्लिक पोर्टल के लिए है, मतलब इससे आम जनता या पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो यहां से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकती है। शिकायत दर्ज कराने के लिए सबसे जरूरी होगा व्यक्ति को अपना मोबाइल पर आप अपनी शिकायत इस पर दर्ज करा सकेंगे। ये फॉर्म वन है जहां जो कि एक तरीके का प्रारूप होता है जिसपे कि आप अपने ऑनलाइन जो है शिकायत इस पर दर्ज कर सकेंगे और उसके सपोर्ट में अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप नेशन माता पिता का नाम है, लिंक है, मोबाइल नंबर, अगर ऑल्टरनेट किसी का मोबाइल नंबर आप देना चाहें, आधार संख्या कोई देना चाहे वो दे सकता है, ग्रामीण नगरीय क्षेत्र उसका रहेगा। और उसके बाद जब आप उसको ऑनलाइन ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको कंप्लेंट नंबर मोबाइल नंबर जब दोनों आप डाल के देखेंगे तो आप अपनी शिकायत पर क्या उस पर कार्रवाई की गई है या वो अगर पेंडिंग में है तो किस स्तर पर पेंडिंग है उसकी आप उस पर रिड्रेस किया गया है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है या उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप उस पर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं इसके अंदर। और आपका जो है इस पर रेफरेंस देने का, अगर आप संतुष्ट नहीं है ये फीडबैक देने का, ये दो ऑप्शन जो है इसमें आपने पहले बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कितनी आई है और शिकायतें कितनी आई है, देखिएगा भारत निर्वाचन आयोग से कितनी शिकायतें आई है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहाँ से हमारे को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है, ये एक समरी रिपोर्ट जो है मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास अवेलेबल रहती है, मतलब तीनों स्तरों पर, जिला स्तर पर भी, लखनऊ स्तर पर भी और पीसीआई दिल्ली स्तर पर भी अवेलेबल रहती है इसके अंदर। ठीक है, ये अलग अलग डैशबोर्ड्स हैं, जैसे ये डीएम साहब का है, इनमें अलग तरीके की रिपोर्ट्स हैं जो हमारे अपने यूज के लिए आती है, ठीक है, तम से ही दी जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द परमिशन मे बी अपलोडेड बाय द एप्लीकेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स को चाहिए होते हैं परमिशन अप्लाई करते वक्त वो जो है कैंडिडेट जो है उसको ऑनलाइन ही इस पर अपलोड कर देगा, पोर्टल के ऊपर पहले से ही बना दिए गए हैं तो इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। जिस चीज के लिए उसको परमिशन चाहिए होती है उसके दस्तावेज की लिस्ट चेकलिस्ट पहले नीचे सकते हैं इसके अंदर। ये हमारे पीछे जो लोग हैं पोलिटिकल पार्टी के सभी लोग हैं, सब तुम्हारी पार्टी के कुछ सर दादरी से नोएडा, इलेक्शन कमीशन आईटी बेस्ड होकर अधिक से अधिक कार्यों को आईटी बेस्ड एप्लीकेशन पर ले जा रहा है। चौथा देखिए इसके बाद जो डिप्लॉयमेंट ऑफ होमगार्ड्स है, मतलब जो लगाया जाता है वो भी इस बार जैसे इलेक्शन पर्सनल का, पोलिंग पर्सनल का लगाया जाता है, वैसे पुलिस पर्सनल का भी इस बार ईपीडीएस के माध्यम से ही अलग से उनका भी एक बनाया गया है, पर उनका पहले ही आकलन हो जाएगा हमारे हैं वो उनके मोबाइल पर वेबसाइट खोल के अगर मोबाइल फोन के अगर नहीं है अपलोड है तो उसको यूज करके उसको आंसर नहीं दे सकते, चाहिए वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इसलिए जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए उन्होंने विशेष रूप से लिंक दिया है, जनरल वो है वेब बेस्ड ही है, वेबसाइट की नहीं है, अगर नहीं है तो नॉमिनेशन के लास्ट डे तक आप अप्लाई करके वोटर बन सकते हैं, वोटर बनने में नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक भी वोटर बन सकता है,
कटने के लिए उससे एक हफ्ते मिनिमम टाइम पहले होना चाहिए। किसी का नाम आप कटवाना चाहते हैं तो नोटिस देना होता है, इसलिए जिस दिन अंतिम दिन है नॉमिनेशन का उसे एक हफ्ते पहले ही फॉर्म 7 दे सकते हैं, अंतिम दिन तक फॉर्म 6 दे सकते हैं, तो वो सुविधा उपलब्ध रहती है। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन उपलब्ध अभी हमेशा के लिए होगा, अभी मैं 4000 का एक तो खरीद लेता हूँ, मेरा काम ये है ना। सर एक स्क्रीन का जुगाड़ हो जाए उसका, बाकी अन्य गांव देखिए, विधानसभा 2017 के सामान्य निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन की दृष्टि से वेब बेस्ड ऐप कई डेवलप किए हैं और जिसको क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिया हुआ है। उसी के विषय में जन सामान्य को, राजनीतिक दलों को बताने के लिए ये बैठक रखी गई थी। मुख्य रूप से उसमें ई समाधान, ई सुविधा, ई सुगम, ईपीडीएस की व्यवस्थाएं हैं। मुख्य रूप से जो लोगों को निर्वाचन संबंधी अपनी समस्याएं दर्ज कराने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे कार्यालयों के, उसके लिए ऑनलाइन अपनी बात रखने का एक अवसर दिया गया, प्लेटफॉर्म दिया गया है ऑनलाइन। उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स तो डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, कार्यक्रमों के लिए जो अनुमति चाहते थे उसके विषय में भी पूरी पारदर्शिता और आयोग के निर्देशों का पालन हो और उसकी अनुमति में जो आवश्यक प्रावधान और प्रक्रियाएं हैं उसका अनुपालन भी हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए ऐप डेवलप किया गया है, जिसमें कि रिटर्निंग ऑफिसर को समयबद्ध ढंग से, सुनियोजित ढंग से और पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ अनुमति देनी होगी। उसी तरह वाहनों के विषय में, कार्मिकों के विषय में भी संपूर्ण डेटा को ऑनलाइन रख लें और पूरी पारदर्शिता रख लें, और जो आयोग के रैंडमनेस का कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉइज के पोल डे के दिन लगने के लिए, उन सारे चीजों के लिए ऑनलाइन डिजिटल व्यवस्था आयोग ने किया है, ताकि निर्वाचन में किसी भी प्रकार के, किसी भी आशंका की कोई संभावना न हो, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो सके। एक नो योर बूथ करके भी एक वेब बेस्ड ऐप है, जिसमें कि कोई व्यक्ति नेशनल वोटर पोर्टल पर जाकर के देख सकता है, उसमें उसको बीएलओ का भी नंबर, नाम और बूथ कौन सा है, वहां जाने का मार्ग कौन सा है, वो सारी चीजें भी उस पर देख सकता है। वोटर की फैसिलिटेशन के लिए ऐप डेवलप किया। वोटर कब तक अपना नाम दर्ज करा सकता है? वोटर अगर अपने पोर्टल में, नेशनल पोर्टल में या सीईओ के पोर्टल पर देख करके अगर उसे लगता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उसको अंतिम अपॉर्चुनिटी, नामांकन की जो अंतिम तिथि होती है उस विधानसभा की, उस दिन तक होता है। इसलिए मेरा आप लोगों के माध्यम से वोटर से आग्रह है कि जब 12 जनवरी को वोटर लिस्ट जो अभियान चला था उसमें जब नोटिफाई होगी, ड्रॉट पब्लिकेशन होगा, एक बार जरूर उसमें देख लें या पोर्टल पर देख लें, और अगर उन्होंने फॉर्म जमा किया है बीएलओ की गलती से नहीं हुआ है तो भी अवगत कराएं, और यदि उन्होंने फॉर्म जमा करना भूल गए थे तो पुनः उनको मौका रहेगा अंतिम तिथि तक, और वो अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। सरकारी कर्मचारी थे वो ड्यूटी से बचने के लिए कई सारे उपाय करते हैं, इसके लिए व्यवस्था की जाने बोलते हैं।
देखिए जो ये पीडीएफ सिस्टम है कि सारे 27 कॉलम के फॉर्म हैं फॉर्मेट विभागों को सारे कर्मचारियों की पूरी डिटेल आयोग ने दिया है जिसको दर्ज करना है और एग्जेम्पशन के ग्राउंड्स भी तय हैं और उन्हीं ग्राउंड्स पर ही एक जिला स्तरीय कमेटी है जिला अधिकारी की अध्यक्षता में वो एक बार एग्जेम्पशन को तय करके इसके बाद लॉक करने के बाद फिर उसमें किसी तरह गुंजाइश किसी के नाम काटने की बहुत विशेष परिस्थितियों में होगी तो उसको भी हमें हायर अप से परमिशन लेना होगा। थैंक यू।